हेलो फ्रेंड्स, कविता स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अस्तर वाला ब्लाउज बनाना बताऊंगी कि किस प्रकार से बनाते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, देख सकते हैं। ये सिल्क के कपड़े में है, ये देख सकते हैं। ये हमारा बाजू पे आएगा, बाजू इसमें डिजाइनिंग बनाना है तो इसको हम बाद में बताएंगे। इसका देखिए, ये हमारा आगे पीछे के पल्ले के लिए आएगा, देख सकते हैं। ये सिल्क का कपड़ा है, कितना सुंदर बूटी वाला डिजाइन दिया हुआ है। ये सब अभी बहुत ट्रेंडिंग में सारी चल रहा है, इसी का ब्लाउज बनाना है तो इसलिए हम इसको कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसका मेन फैब्रिक पे कटिंग नहीं करेंगे, पहले हम इसका अस्तर पे कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो पहले हम इसके अस्तर को साइड में रख देते हैं, उसके बाद अब हम इसके मेन फैब्रिक को साइड में रख देते हैं, अस्तर पर कटिंग करेंगे। तो इसको हम खोलेंगे और देखिए, इसका पहले हम मेजरमेंट बता देते हैं। इसका जो हमारा लंबाई होगा 14 इंची, सीना होगा 40 इंची, कमर होगा 35 इंची, गला आगे का होगा 6 इंची और पीछे का गला होगा 10 इंची। इस प्रकार से हमको इसको बनाना है। तो अब हम इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं। ये हमारा कोर जो है वो हमारा इधर साइड रहेगा और एक कोर इधर साइड रहेगा और कटिंग वाला पार्ट जो है वो इस साइड रहेगा। इस प्रकार से हम इसको फोल्ड करेंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से। अब हम इसका पहले लंबाई लेंगे, लंबाई हमारा 14 इंची है तो यहाँ से हम 14 इंची लेंगे और 1 इंची सिलाई मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा ठीक है, इस प्रकार से कटिंग करेंगे। और अब हम इसका सीना लेंगे, सीना इसका 40 इंची है तो 1/4 हम 10 इंची लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर 10 इंची और इसमें हम 2 इंची सिलाई मार्जिन लेंगे। तो ये हमारा 2 इंची सिलाई मार्जिन। इस प्रकार से हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से आप कटिंग करिएगा, आपका आगे का और पीछे का दोनों पल्ला एक साथ ही कटिंग हो जाएगा और एकदम परफेक्ट होगा। तो यहाँ से हम बाकी का पल्ला अलग कर देंगे। ये हमारा जो बाकी का बचा कपड़ा होगा वो हमारे बाजू में जाएगा और ये हमारा आगे पीछे का पल्ला बनेगा। तो ये हो गया, अब हम इसको साइड करेंगे और इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। ये हम ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद इसको इस प्रकार से, इससे हमारे आगे पीछे का पल्ला एक साथ दोनों कटिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आप भी कटिंग कीजिए, आपका एकदम परफेक्ट ब्लाउज बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और अब हम इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। हमारा जो कटिंग होगा उसमें हम आगे का पल्ला 1 इंची बड़ा रखेंगे और पीछे का पल्ला 1 इंची छोटा रखेंगे। देख सकते हैं ये हमारा 1 इंची बड़ा है तो हमारा नीचे वाला आगे का पल्ला होगा और ये ऊपर वाला जो है वो पीछे का पल्ला होगा। इस प्रकार से बिछा देंगे। अब हम इसका यहाँ से तीरा लेंगे। तीरा हमारा 5 इंची है तो हम इसका 5 इंची लेंगे। आप भी तीरा की कोई भी साइज का हो, तीरा 5 ही इंची लीजिएगा। और यहाँ से भी हम देख लेंगे 5 इंची और यहाँ से काकी का भी हम लेंगे 5 इंची यहाँ पर। अब इसको हम सीधा कर देंगे, ये हो गया। यहाँ से हम गला लेंगे 2 इंची, सीना हमारा इसका 40 इंची है तो 1/4 हम 10 इंची पर निशान लगाएंगे यहाँ पर, नीचे भी हम 10 इंची पर निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब इस दोनों को हमको मिला देना है और ये जो काकी का हम लगाए हुए हैं यहाँ से 5 इंची, इसको भी हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। यहाँ से हम काकी का गोलाई देंगे 1 इंची, क्योंकि आगे और पीछे दोनों पल्ला एक साथ कटिंग हो रहा है तो 1 इंची का गोलाई देंगे। आगे का पल्ला में 1/2 इंची का गोलाई देंगे क्योंकि झोल उससे नहीं पड़ता है, नहीं तो 1/2 इंची नहीं कटिएगा तो उसमें झोल पड़ जाएगा। इस प्रकार से हम गोल बना देंगे और यह अब हम इसका पीछे का गला का लेंगे 10 इंची यहाँ पर लगाएंगे निशान। आगे का गला हमारा छोटा है तो 6 इंची पर, तो इसके नीचे वाले पल्ले पर हम 6 इंची का निशान लगाएंगे यहाँ पर, ये हो गया। अब हम ऊपर 2 इंची लिए हैं, यहाँ पर है 2.5 इंची लेंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। यहाँ से हम इसको गोलाई बना देंगे इस प्रकार से, ये हो गया। आप चाहे तो कोई भी इसमें डिजाइन बना सकते हैं। अब हम टेकिन का निशान लगाएंगे तो यहाँ से जितना है उसको हम हाफ़ कर देंगे। 10 इंची है तो वैसे आप 5 इंची भी ले सकते हैं, नहीं तो हाफ़ करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर निशान लगाएंगे, इसका उठाव हम 4 इंची का देंगे यहाँ पर, इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इसका जो हमारा टेकिन होगा वो हमारा 1 इंची का होगा, यहाँ पर से 1/2 इंची इधर लेंगे और 1/2 इंची इधर लेंगे। यहाँ से इसको इस प्रकार से नोकी निकालते हुए इसको सिलेंगे
परफेक्ट होगा। ये हो गया हमारा, अब हम इसी पर कटिंग कर देंगे। यहाँ से इसका गला कटिंग करेंगे। ये हो गया, अब हम आगे का गला कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 6 इंची पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से एक सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ से हम इसको गोलाई बना देंगे। आप चाहे तो कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अब हम इसी पर कटिंग कर देंगे। ये हो गया, अब हम यहाँ से इसको दोनों पल्ला को अलग कर देंगे। पीछे आगे का पल्ला अभी साइड करेंगे, इसको लेंगे। पीछे के पल्ला में साइड फिटिंग में यहाँ पर इसको हम थोड़ा 1/2 इंची के लिए कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसमें कम टेकिन पड़ता है, तो इसलिए ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कटिंग कर देंगे ताकि सिलने में कोई दिक्कत नहीं हो। और ये देख सकते हैं, ये हमारा कुछ इस प्रकार से आएगा। अब हम इसको साइड करते हैं, देख सकते हैं गला कितना फिनिशिंग आया हुआ है। अब इसको हम साइड करते हैं, आगे का पल्ला कटिंग करते हैं। तो ये हमारा आगे का पल्ला हो गया, अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो यहाँ से पहले हम इसका काफ़ी कटिंग करेंगे, क्योंकि ये आगे पल्ला में 1/2 इंची का काफ़ी कटिंग ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपके पल्ले में झोल नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप बाजू जब जोड़िएगा तो वहाँ पर आगे में चुन्नट बैठ जाएगा और झोल की तरह दिखेगा। इसलिए हम 1/2 इंची ये ज़रूर करिएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा काफ़ी का कटिंग होगा। अब हम यहाँ पर टेकिन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ इसके सेंटर से हम यहाँ पर 10 इंची का निशान लगाएंगे। यहाँ पर यहीं से हम नीचे इसका 4 इंची का उठा देंगे, ये एक टेकिंग के लिए। यहाँ से हम 3 इंची का निशान लगाएंगे और यहाँ से इस टेकिंग के लिए 3 इंची। इस प्रकार से यहाँ से 2 इंची हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ से 2 इंची हम यहाँ पर लगाएंगे। इस प्रकार से इसको हम नीचे ले जाएंगे और इस टेकिन को इसके सेंटर में रखेंगे। इसको कुछ इस प्रकार से ले जाएंगे। अब हो गया, अब हम इसका टेकिन का यहाँ पर 1 इंची का देंगे, 1/2 इंची इधर और 1/2 इंची इधर इस टेकिन का निशान लगेगा। इसको भी नोकी निकाल के बनाइएगा, परफेक्ट बनेगा। ये हमारा 1/2 इंची का बनेगा, ये भी हमारा 1/2 इंची का बनेगा। इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा परफेक्ट टेकिंग लग चुका है। अब हम इसका आर्म होल कटिंग कर देंगे। ये हो गया, अब हम इसको खोल देंगे। देख सकते हैं ये यहाँ पर इसका फिटिंग का निशान इसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम लगा देंगे यहाँ से 10 इंची पर, क्योंकि 40 इंची सीना है तो इसका 1/4 10 इंची होगा। नीचे भी हम 10 इंची पर लगा देंगे। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये हो गया, अब हम इधर भी सेम टेकिंग उगाने के लिए क्या करेंगे कि इसको इस पर इस प्रकार से रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखेंगे ताकि गलत नहीं हो। अब हम इसको इस प्रकार से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, इसका टेकिन भी इधर उग जाएगा। ये हो गया, अब हम इसको खोल देंगे। देख सकते हैं टेकिन हल्का हल्का उग गया है। अब हम इसी पर निशान लगा देंगे। ये हमारा फिटिंग का हो जाएगा। इस तरह से हमारा देख सकते हैं कटिंग हो गया। यहाँ पर बीच से हम कटिंग कर देंगे, यहाँ पर हमारा हुक आई बनेगा। इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज का कटिंग कंप्लीट हुआ। अब हम इसको अस्तर पर कैसे बनाएंगे वो आप लोग देखिए। इसको हम पूरा खोल लेंगे, इसको अभी हम साइड करते हैं। इसको खोलने के बाद देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको बिछाएंगे
उल्टे साइड से बिछाएंगे और सीधा हमारा इधर साइड रहेगा। तो इस प्रकार से बिछाने के बाद अब हम इसके पल्ले को लेंगे और इस पर कुछ इस प्रकार से बिछाएंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा एक पल्ला बैठेगा और एक पल्ला यहाँ पर बैठाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको मेन फैब्रिक पर बिछाकर और उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे, साइड से हम इसको कटिंग कर लेंगे, कपड़े को इसको कटिंग कर लेंगे मेन फैब्रिक को, और मशीन पे साइड से पहले हम इसको परफेक्ट तरीके से बैठा देंगे, क्योंकि इसको अगर हम नहीं बैठाएंगे तो बीच में फूल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ये अगर मेन फैब्रिक, तो इसीलिए हम पहले अच्छे से प्लेन करके इसको पिनअप करके और उसके बाद इसको मशीन से सिल कर कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसका टेकिंग देंगे। इसी प्रकार से हम इसको पीछे का पल्ला यहाँ पर बिछाएंगे इस प्रकार से। आपका जैसे पल्ला एडजस्ट हो रहा है मेन फैब्रिक में उस प्रकार से अच्छे से बैठा लें। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से।